राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपनी सियासी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा रसूखदार नेताओं में शामिल दिग्विजय सिंह भले ही आज कांग्रेस में हाशिए पर चले गए हों, लेकिन एक वक्त पार्टी में उनका दबदबा हुआ करता था। वैसे दिग्विजय का विवादों से भी नाता कम नहीं रहा है, तो वहीं कम उम्र की महिला एंकर से शादी करना भी चर्चाओं में रहा। तो वहीं अगर बात करें उनकी बेटे बहू की, तो वो भी राज्य की सियासत में दांव आजमा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन राघवगढ़ से दूसरी बार विधायक हैं। तो वहीं बात करें पत्नी सृजाम्या की, तो वो एक वक्त चर्चाओं में आ गई थी जब वो अपने पति के लिए चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आई थी। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जयवर्धन से उम्र में 5 साल छोटी सृजाम्या मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के शपथ वाले दिन भोपाल आई थी। राघोगढ़ के लोगों से उनका बेहद अच्छा जुड़ाव कहा जाता है। तो वहीं दिग्विजय सिंह के गृहनगर राघोगढ़ में उनका ऐतिहासिक किला भी है और यहीं पर उनका मायका भी है। दिग्विजय सिंह की बहू सृजाम्या का परिवार लंबे वक्त से सियासत से जुड़ी, तो वहीं उनके दादा रणविजय सिंह आरजेडी का मुख्य चेहरा रह चुके हैं। साथ ही 2 बार बिहार विधानसभा में विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा उनके परदादा शत्रुमर्दन शाही पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। सृजाम्या की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने अजमेर के मायो कॉलेज गर्ल्स से पढ़ाई करने के बाद प्रमुख चार्टर्ड कंपनी ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड सीओ के साथ काम किया है। फिलहाल अब वो अपने पति का सियासत में सहयोग कर रही हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।